नवंबर 1984 के उस साके नूं अज 40 साल हो चुके ने, पर इंसाफ 40 साल बाद भी नहीं है। पर जो 31 अक्तूबर नूं होया सी, उस दा इंसाफ उस वक्त दे दिता गया सी। उस वक्त फांसी की सज़ा हैगी है जिहड़ी, वह भी रुकवाई गई सी। किवें रुकवाई सी? वड्डे वकीलां ने मुफ्त दे विच केस लड़े सी, जिन्हां ने इंदिरा गांधी नूं मारिया सी उहनां दे केस। एक जने दे चाचे नूं गुनाह दे विच शामिल ना होण दे बावजूद भी फांसी की सज़ा दित्ती गई सी। 1 जून 1984 ते 31 अक्तूबर 1984 भारत दे इतिहास विच एक ही साल दे अंदर इन्हां दो तरीकां दौरान होईयां घटनावां नूं सिख कौम खास करके कदे नहीं भुला सकती। दरबार साहिब ते होए फौजी हमले की तरीक 1 जून ते 31 अक्तूबर नूं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नूं खत्म करन दी तरीक विच पूरे 5 महीने का समां सी। सचखंड श्री दरबार साहिब ते होए हमले नूं 5 महीने बीत चुके सी, पर यह हमला सिखां दे मनां विच रोज़ाना तीर वांगू चुभ रहा सी। इंदिरा गांधी खिलाफ वारदात दे विच शामिल उन्होंने सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह दे मन विच यही चुभण सी, ते उस चुभण नूं खत्म करन दा सुनेहा उन्होंने दिल्ली दे इतिहासिक अस्थान गुरद्वारा मोती बाग साहिब तो किवें मिलिया सी, जिथे 1707 विच दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने दिल्ली दे बादशाह बहादुर शाह दी पलंग ते तीर छड़ के अपने दिल्ली पहुंचण दा सुनेहा दिता सी। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खालस प्राइम स्टोरी दे नाल मैं हरशरण कौर। बेअंत सिंह ने सतवंत सिंह दे नाल योजना बना के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नूं खत्म किया। उसका सुनेहा दिल्ली के इतिहासिक गुरद्वारा मोती बाग साहिब तो ही मिलिया सी। बेअंत सिंह अते सतवंत सिंह दोवें इंदिरा गांधी दे सुरक्षा गार्ड सन। दरबार साहिब ते हमले तो पहला बेअंत सिंह कोई बहुता धार्मिक नौजवान नहीं सी, पर 1984 की घटना ने करोड़ां सिखां वांग उहदे दिल ते भी गहरा असर छड्डिया। परिवार तो दूर बेअंत सिंह जदों भी दरबार साहिब की घटना नूं याद करदा सी तां अखां भिज जांदियां सी। वह अक्सर अपना मन हल्का करन दे लई दिल्ली दे इतिहासिक गुरद्वारा मोती बाग साहिब जांदा सी, जिथे उसकी मुलाकात चाचा केर सिंह दे नाल हुई, उसके अपने चाचे नाल हुई। एक दिन बेअंत सिंह उस हमले की गल करते हुए बहुत भावुक हो गया, रोण लग्या। तो केर सिंह ने कहा, यानी कि चाचे ने कहा, पुत्रा रो ना, बदला लै। इस दिन बेअंत सिंह दे दिमाग विच इंदिरा गांधी नूं पार बुलाउण दा ख्याल आया। पुलिस दी जांच विच सामने आया सी कि वारदात दे 14 दिन पहला उसने इंदिरा गांधी दी सुरक्षा विच लगे एक होर साथी सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह नूं अपनी प्लानिंग बारे दस्या। फिर सतवंत सिंह छुट्टी ते गुरदासपुर चला गया अते उसने बेअंत सिंह नाल मिलके पूरी योजना तैयार कीती। उधर दरबार साहिब ते होए हमले तों बाद सुरक्षा एजेंसियां नूं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कतल का शक तो है ही सी। उस तो बाद तत्काली प्रधानमंत्री की सुरक्षा के विच लगे सिख गार्डां नूं कट्ठे रखने की थां वख-वख थावां ते तैनात किया गया। पर 31 अक्तूबर नूं सतवंत सिंह ने ढिड खराब होने का बहाना लाया कि उसनूं पखाने के नेड़े तैनात किया जाए। इस तरह फिर बेअंत सिंह ते सतवंत सिंह दोवें एक थां ते तैनात हो गए। 31 अक्तूबर 1984 यानी कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब और श्री दरबार साहब से होए हमले के ठीक 5 महीने बाद सवेर के 9:10 का समा सी। इंदिरा गांधी सामने आ रही सी, अचानक उत्थे तैनात सुरक्षा अफसर बेअंत सिंह ने रिवॉल्वर कढ के इंदिरा गांधी ते फायर किया। गोली इंदिरा गांधी के ढिड च वजी। इंदिरा गांधी ने चेहरा बचाने लिए अपना सज्जा हथ चुकया, तो उस वेले बेअंत सिंह ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज तो 2 फायर होर किए। ये गोलियां इंदिरा गांधी की छाती और ढिड विच वजियां। 5 फुट की दूरी से सतवंत सिंह अपनी ऑटोमैटिक कारबाइन के नाल खड़ा सी। इंदिरा गांधी नूं डिगदे देख के वह सुन हो गया। बेअंत सिंह की बंदूक चो निकली गोली नूं 25 सैकेंड बीत चुके सी, ते फिर बेअंत सिंह ने पत्थर होए खड़े सतवंत सिंह उच्ची आवाज कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने फौरन अपनी ऑटोमैटिक कारबाइन दी 25 गोलियां धड़ाधड़ इंदिरा गांधी ते दाग दित्तियां। सतवंत लगातार फायर कर रहा सी। इंदिरा गांधी दे निजी सुरक्षा अफसर रामेश्वर दयाल ने भजना शुरू कर दिता, पर इंदिरा गांधी तक पहुंचन तो पहला सतवंत दे वल्लों चलाईयां गोलियां इंदिरा गांधी दे पट अते पैरां विच लगियां ते उत्थे ही ढेर हो गए। हालांकि इंदिरा गांधी नूं एम्स भी लिजाया गया, उन्हां दी नूं सोनिया गांधी दे वल्लों, पर शाम 6 बजे आखिरकार उन्हां नूं मृत ऐलान दिता गया।
वारदात तो बाद दोवां ने अपने हथियार सुट दिते। बेअंत सिंह ने कहा सी असी जो करना सी कर दिता, हुण तुसी जो करना है कर लो। उस वेले नारायण सिंह ने बेअंत सिंह नूं जमीन ते सुट लिया। नेड़े गार्ड रूम तो ITBP दे जवान आए ते उन्हां ने सतवंत सिंह नूं घेरे विच लै लिया। इस दौरान बेअंत सिंह अते सतवंत सिंह ते होर सुरक्षा गार्डां ने भी गोलियां चलाईयां। बेअंत सिंह दी तां उन्हां गोलियां करके कुछ देर बाद पुलिस कस्टडी दे विच ही जान चली गई सी, जदके सतवंत सिंह नूं जख्मी हालत विच हस्पताल दाखल करवाया गया। कुछ समय बाद बेअंत सिंह नूं डेड डिक्लेयर किया गया। फिर सुरक्षा एजेंसियां ने इस कतलकांड दे मामले विच बेअंत सिंह दे चाचे केर सिंह नूं भी फड़ लिया, जो सरकारी दफ्तर दे विच कलर्क रिटायर्ड सन। ते फिर शुरू होया कानूनी दा पेचता सिलसिला। ते सतवंत सिंह जदों हस्पताल तों डिस्चार्ज होके पुलिस कस्टडी दे विच आ गया तां उह नहीं चाहुंदे सी कि उन्हां दा कोई केस लड़े, पर पिता दे समझाउण तों बाद उह वकील करन लई राजी होए। दिल्ली हाईकोर्ट दे साबका जज रहे RS सोढी उहनां दे वकील बणे। सोढी ने इक निजी चैनल नूं दित्ते इंटरव्यू दे विच दस्सिया कि उह आप वी दिलों चाहुंदे सी कि उह सतवंत सिंह दा केस लड़न, क्योंकि उहनां दे मन ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। RS ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਦਾੜੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ RS ਸੋਢੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ PN ਲੇਖੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਖੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RS ਸੋਢੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ PP ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਵਕੀਲ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। RS ਸੋਢੀ ਨੇ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। RS ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RS ਸੋਢੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਲੜਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। 1984 ਤੋਂ 99 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕੀ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ RS ਸੋਢੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
अदालत विच राम जेठमलानी ने दलील दिती कि राष्ट्रपति किस तरह फांसी की माफी की सजा से फैसला ले इस ते गाइडलाइन तैयार होनी चाहिए है। देश के सबका कानून मंत्री अते वड्डे वकील शांति भूषण ने भी फांसी देने का विरोध किया अते राम जेठमलानी की हमायत की। सरकार दे वकील ने कहा क्योंकि यह बहस का विषय है कि फांसी होनी चाहिए है ज नहीं, पर इस केस दे विच सजा अदालत सुना चुकी है। जदों राम जेठमलानी ने वेख्या कि सारे दा पेच सफल नहीं हो रहे तो उन्होंने दलील दी कि पंजाब पुलिस ने इंदिरा गांधी मामले में अतिंदर पाल सिंह फड़िया है जो कि इस केस का मास्टर माइंड हो सकता है। इस करके केर सिंह का इस प्लानिंग विच कोई हाथ ही नहीं है, इसलिए पूरे मामले की मुड़ तो जांच की जाए। पर सरकारी वकील राम जेठमलानी के इस दा समझ चुके सी, इसलिए सरकार ने इंदिरा गांधी मामले के गिरफ्तार अतिंदर पाल सिंह अस्तीफा देने वाले IPS अफसर सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ चार्जशीट फायर नहीं की ताकि केर सिंह अते सतवंत सिंह दी फांसी दी सजा विच कोई देरी ना हो सके। राम जेठमलानी का कहना सी कि बेअंत सिंह अते सतवंत सिंह भावें इंदिरा गांधी केस विच सीधे तौर पर शामिल हो सकते हैं, पर केर सिंह नूं बेवजह फसाया जा रहा है, फांसी नहीं दिती जानी चाहिए। पर अदालत ने राम जेठमलानी दियां सारियां दलीलां नूं खारिज कर दिता। 6 जनवरी 1999 नूं केर सिंह अते सतवंत सिंह नूं फांसी दे दिती गई। अज सिख कौम भाई सतवंत सिंह, बेअंत सिंह अते केर सिंह नूं शहीद का दर्जा दिंदी होई उन्हां दे परिवारां नूं सन्मानित करदी है। हर साल उस दिन जदों कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की बरसी मनाउंदी है उस दिन सिख कौम दे वल्लों बेअंत सिंह, सतवंत सिंह ते केर सिंह होणा नूं शहीद मनदे होए उन्हां नूं श्रद्धांजलि दित्ती जांदी है। खालस प्राइम स्टोरी देखने वाले सारे दर्शकों का धन्यवाद।